हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक संख्या 28 को पढ़ रहे हैं। श्री मैत्र मुनि जो है विदुर के प्रश्न के उत्तर देते हुए सर्ग, और ये सर्ग जो है भगवान से शुरू होता है और एक विषय है, श्रीमद् भागवतम का विषय सर्ग है। तो वर्णन कर रहे हैं कुछ श्लोक को द्वारा हम जो है उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और आगे भी यहाँ पे जो है श्री मैत्रेय मुनि जो है विस्तार रूप से समझा रहे हैं और समझाएंगे। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि तत्पश्चात महत्त्व अपने भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। तो ये मिथ्या अहंकार जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये महत्त्व जो है जब इस प्रकार से संपर्क में आता है, इसके संपर्क में स्थूल पदार्थ मैटर, यह भगवान का स्वांश जो सर्व सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी बताते हैं। तो ये महातत्व क्या है, यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहली चीज के महातत्व क्या है, और ये जो है मिथ्या अहंकार फॉल्सी को क्या है। महातत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। शुद्ध आत्मा और भौतिक जगत के बीच का माध्यम, यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है, कि संधि ये जो है महातत्व भौतिक जगत जो है और जीव, यह पदार्थ तथा आत्मा मैटर एंड स्पिरिट का संधि स्थल है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। जैसे भी कल पहले भी जान चुके हैं, और जो ये बहुत ही टेक्निकल है और साइंटिफिक है, तो ये जड़ और आत्मा जड़ पदार्थ या मैटर इज द जंक्शन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, और ये जंक्शन की वजह से जो है ये मिथ्या अहंकार की उत्पत्ति होती है, मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाता, क्योंकि ये जो मिलन का पॉइंट, और उसकी वजह से जब जुड़ जाता है, जैसे कि जल आकाश से गिरता है शुद्ध है, लेकिन जब वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो और मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो जो है उस आकार या बदल जाता है, वो दूषित हो जाता है।
और ये इसी प्रकार से ये जो है ये जोड़ के कारण जो है नित्य अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के विभिन्नांश, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सारे जीव जो है विभिन्नांश है, भगवान के अंश, वे इस भौतिक जगत या नहीं है, वे जो है शुद्ध है। पर क्योंकि इस अवस्था में आ जाते हैं तो ये मिथ्या अहंकार के कारण ये जो है दूषित हो जाते, मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा कर, ये भोक्ता समझने लगता मैं और सब चीजों के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते। तो इसको ये किसके कारण, ये मिथ्या अहंकार कारण, क्योंकि वो जो दूषित हो जाता और यही मिथ्या अहंकार बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि यही मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधन शक्ति है। अगर बंदी हम बन रहे हैं क्योंकि इसके कारण ये मिथ्या अहंकार। और यही सब कारण है कि हम सोचते हैं कि हम ही भोगता है और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है मेरे भोगने के लिए। तो ये इसको मिथ्या, फॉल्स ईगो इज थिंकिंग वन सेल्फ टू बी द एंजॉयर, भोक्ता। इसीलिए भगवान ये भगवद गीता में ये क्लियर पॉइंट करते, भोक्ता राम, भोक्ता कौन है। और जो ये जान लेता है कि वो इस जाल से मुक्त हो जाता है, वो सब कुछ जो है मेरे लिए ही भोगने के लिए, आनंद देने के लिए सब चीजें। तो और ये पूरा जगत जो है इस मिथ्या अहंकार के से चल रहा है, इस जाल में, इस भ्रम और गलत सिद्धांत, ये मिथ्या मैं और मेरा। तो इससे निकलना जरूरी है। और अगर कोई भी कष्ट है इस भौतिक जगत में तो इसी के कारण, एक शरीर को आत्मा मान, तो ये शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानने के कारण हम शरीर से ही, और इसी इसी कारण जो है ये एक प्रकार का गांठ, और ये गांठ जो है टाइट हो जाएगा तो इसको क्योंकि जो आत्मा और जड़ चीज, मैटर एंड स्पिरिट का एक साथ संधि बन के, एक दूसरों के साथ जो है एक साथ वो जो है मिल जाता है या एंटेंगल हो जाता है या गुच्छित हो जाता है, उसको बोलते हैं गांठ, गांठ।
और जब हम इस स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान और आत्मा को ध्यान नहीं देते तो फिर जो है ये गांठ जो है और भी गाढ़ा टाइट होता है। उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विल मैटर। हम जो है इस प्रकार से इस भौतिक चीजा या शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो ये जो गांठ है बंधन का गांठ जो है और भी ज्यादा टाइट हो जाता है। तो ये कारण तो भगवान ने पहले ही भगवद गीता में ये ज्ञान दे दिया आत्मा और शरीर का अंतर क्या है, आत्मा क्या है शरीर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी। जब हम ये जान लेते हैं तो फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक मिनट आई थिंक जिसके लिए क्या है कि शरीर को ही सब कुछ मानना, कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग द बॉडी एज वन सेल्फ, इसको फॉल्स असत को सत मान लिया और ये शरीर जो है असत, तो असत को ही सत्य मान लिया। और जब कोई समझता है कि हम शरीर नहीं है आत्मा, तब वो जो है अपने रियल ईगो, फॉल्स ईगो नहीं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फॉल्स एंड ईगो, रियल ईगो इज दैट understanding that aham brahmasmi, that I am spirit, I am not this body. So, ego ahankar, but mithya ahankar, ye jo hai accept nahi kiya jata hai, kyunki usse jo hai hum bandhan mein phas jate. ये मैं और मैं, तो फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार मतलब आइडेंटिफाइंग विद मैटर, तो ये मैटर एंड स्पिरिट स्थूल जो चीजें हैं उनसे हम जो है लगाव, तो हमें ये स्थान पर आना है या सभी वैदिक साहित्य जो है हमें यह बताती है कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये विचार
हमें जो है उसको बदलना, क्योंकि ये हम जो कवरिंग है, जैसे कि वस्त्र है, वो जैसे हम शर्ट पहनते हैं, प्रभा जी वर्णन करते हैं कि हम शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर कोट पहनते हैं, तो ये शर्ट और कोट जो है शरीर को ढक रहा है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा ये स्थूल शरीर है वो एक कवरिंग है, आत्मा का कवरिंग है, और इस शर्ट और जो है कोट क्या है, कवरिंग है, और उसको ही सब कुछ माने कवरिंग। और ये कवरिंग जो है बहुत रूप, बहुत प्रकार के रूप में, जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो ये आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हम अमेरिका में जन्मे हैं तो हम सोचते हैं हम अमेरिकन, इंडिया में जन्म हुए तो हम सोचते हैं हम इंडियन है, पर क्या हम इंडियन है या अमेरिकन है? ये तो शारीरिक या स्थान के अनुसार इसको डेजिग्नेशन है, इस डेजिग्नेशन, दिस डेजिग्नेशन। तो हम और सभी प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाता है कि जब हम जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किससे, इस शरीर के साथ, शरीर के साथ, कि आत्मा कोई अमेरिकन नहीं, आत्मा इंडियन नहीं है, आत्मा क्षत्रिय नहीं, आत्मा शूद्र नहीं, आत्मा ब्राह्मण नहीं, ये तो डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशंस के कारण ही पूरा विश्व में आज प्रॉब्लम यही है, इस मिथ्या अहंकार, माय कंट्री, माय नेशन, माय फैमिली, मेरा कुल, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब, मेरा मेरा करके जो मैं और मेरा, और इसीलिए सब विभाग 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 होते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं, और सब प्रॉब्लम्स इसके वजह से। और हम अपने इंडिविजुअल्स स्थान पे ही जो भी हमारे साथ संबंधित, और ये सब शुरू होता है अपने घर से ही शुरू होता है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा, और ये सब मेरा मेरा करके जो फिर मेरा सोसाइटी, मेरा बिल्डिंग, मेरा गांव, मेरा ये देश, तो इस प्रकार से ये आइडेंटिफिकेशंस की वजह से सब जो है प्रॉब्लम्स। तो इस डेजिग्नेशन से हमें, तो ये डेजिग्नेशन भी एक जो भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सब डेजिग्नेशंस को हमें निकालेंगे, जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम जो है इस मिथ्या अहंकार के जाल में फंस जाएंगे, और उस प्रकार से जो है ये गाढ़ा नारी कर, मेरा देश, मेरा देश, सब नारी कर, मेरा 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 कुल, मेरा फैमिली, मेरा पूरा जो खानदान, और इसमें ही बहुत मेरी चीजें, तो इस प्रकार से ये मिथ्या अहंकार के कारण ही सब जो है भूल जाते हमारे असली स्वरूप को, भूल जाते
तो हमें इन इन सब अविद्याओं से, उस मिथ्या अहंकार से हमें अपने जैसे जैसे आत्मा शुद्ध है, और यहाँ पे बताया कि संधि के कारण जो है वो जो है इस प्रकार से इस भौतिक जगत के जो तीन गुणों और प्रकृति और सब चीजें जो यहाँ पे है उससे साथ जब हमारा लगाव बढ़ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये सब जो है हमारी हमारे भोगने के लिए है, और हम उसके उसको भोगने के लिए हम संघर्ष और ये संघर्ष करते करते जो है हम इसमें फंस जाते हैं। तो ये मोहग्रस्त का कारण यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान मोहग्रस्त पदात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती रहती है। तो इस प्रकार से भगवान जो क्योंकि ये जट पदार्थ तथा आत्मा के संधि के कारण ये मिथ्या, तो इस संधि को तोड़ना है। उसको काटना पड़ेगा। जब गांठ बहुत टाइट हो जाती है, गांठ को खोला नहीं जाता है, तो उसको काटना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्त। तो हमें अपने आप को विरक्त करना है और समझना है और क्लियरली देखना है और इस अवस्था से वापस अपने को इंटेंगल करना है। और इस इंटेंगलमेंट का रास्ता यही है कि हम जो है हमारे असली स्वरूप को जाने कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप यही है कृष्ण नित्य दास। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, जीवेर स्वरूप को अगर ही नहीं पहचाने कि हम कौन है, तब तक ये प्रॉब्लम जो है होती रहेगी। और जब हम ये समझ लेंगे कि हम जो है जैसे कि हम भगवान के अंश विभिन्नांश यहाँ पे भगवत बोलता है, और हम इस मिथ्या अहंकार के दबाव के कारण हम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अंशों के भी प्रकृति के भोक्ता होने का दावा करते हैं। तो ये दबाव हमारे ऊपर है, उस दबाव को हमें उस पिंच को हमें फील करना है। और सबको मौका दिया जाता है जीवन में पिंच को, जैसे किसी को हम ऐसे दबाते हैं जोर से पकड़ के तो दर्द होता है, तो बोलते हैं पिंचिंग। वो पिंचिंग को फील कर, और वो पिंचिंग सबको चांस मिलता है इस पिंचिंग फील करने के लिए, पर उस पिंचिंग को हम सोचते हैं दूसरा, और भी हम फंसते हैं क्योंकि हम इसी भौतिक जगत में उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर यहाँ पे तो सोल्यूशन है ही नहीं। थोड़ा सा राहत मिल सकता है लेकिन फिर से पिंचिंग बार बार, तो ये पिंचिंग चलता ही रहता है। तो इसके लिए जिस पिंचिंग को जैसे किसी ने सब पिंच किया है तो उसको नहीं निकालना है, तो उसको जबरदस्ती दृढ़ता से उसको, हाँ जैसे कि कोई क्या कहते हैं वो लीच है ना, तो लीच ऐसा चिपक जाता है, उसको निकालना भी मुश्किल है।
खून पीके रहेगा, तो उसको पकड़ के उसको उखाड़ के निकालना है। इसी प्रकार से ये जो संधि के कारण जो है ये दबाव है, और इसके लिए हम सोचते हैं कि हम भोग करें, और वो भोग कैसे कर रहे हैं, इसी प्रकार से खून बाहर बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन ये मिथ्या अहंकार के कारण मुझे बोला, उन्होंने ऐसा मुझे बोला, जानते नहीं मैं कौन हूं, ये मिथ्या अहंकार शरीर तू कौन है अभी है तो नहीं है कौन है, और ये छोटा सा हूं के लिए इतना हुंकार हो रहा है सब जगह। तो ये अगर समझना बहुत जरूरी है तो ही इस विश्व में शांति हो सकती, नहीं तो सब प्रयास सब अपना अपना ग्रुप्स बना रहे और कोशिश में लगे हैं परोपकारी कार्य इसको, लेकिन मेन तो जो रूट जानते ना, इसके लिए यहाँ पे रूट जानना बहुत जरूरी कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, सब कुछ कैसे, हम कहाँ से आए, कहाँ कहाँ जाएंगे, हम क्यों ऐसा कष्ट भोग रहे हैं, इस कष्टों का पूरी तरह से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, स्टॉप गैप सिचुएशंस, स्टॉप गैप दर्द हो तो पेन किलर लो, है ना, लेकिन पेन तो है, उसको दबाया गया, दबा तो यही यहाँ पे जो है मोहग्रस्त हो जाता है जी, और भगवान बहुत ही दयालु है, वे अवसर प्रदान करते हैं विबद्ध जीवाओं को, आत्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और इस कलयुग में भगवान ने बहुत अच्छा सुविधा वो है हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हरि नाम जो है इस दूषित अवस्था से हमें मुक्त कर देते, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये भव महादावाग्नि निर्वापन बहुत सुंदर है कि किस प्रकार से भव दवाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका, तो ये सुंदर शीतल कैरवा मतलब लोटस वाइट ऐसा चंद्र के तो ये जो हम जल रहे हैं भौतिक जगत में, ये हरि नाम जो है उसको शीतल कर देता है और हमें अपने असली स्वरूप में ला देता है, और भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ देता है, और फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम, और वो आनंद भी प्रदान करता है जिसके लिए हम खोज में है, और यही आनंद और कुछ नहीं। और इस से हमारा जो ये मिथ्या अहंकार जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस दूषित अवस्था जो हृदय के अंदर ग्रंथिस है, हमारा इस जन्म जन्मांतर से हमारा जो लगाव है जड़ वस्तु इस
की प्रति धीरे धीरे कम हो जाती है और इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित बनना। ये सब कुछ जो है भगवान का ही समझ कर प्रसाद के रूप में हमें उसको स्वीकार करना है। तो यही प्रसाद है, सब कुछ भगवान का है और हम भी भगवान के हैं क्योंकि हम उनके अंश है। और जब ये बात समझ जाते हैं तो फिर क्या इतना अहंकार, क्या इतना गर्व, क्या इतना सब। पर इसका मतलब नहीं कि हम जो है बड़े पोजीशन में नहीं अपने आप को, हम कुछ भी स्थिति में, चाहे हम राजा क्यों ना बने या चाहे हम प्रेसिडेंट, बड़ा राज्य के प्रेसिडेंट क्यों ना बने, अगर हम ये बात समझ लें तो फिर हम जो है किसी भी अवस्था में हम अपने जो है असली स्वरूप को बनाए रखें। कोई मना नहीं है इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से हमें रहना है और जब हम ऐसे रहेंगे तो फिर कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, हमें अनुभव भी करेंगे, हमें दुख भी होगा, लेकिन हम जो है उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे। हम जो है तुरंत भगवान की शरण कमलों को पकड़ना और जोर से शुरू कर देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्। थैंक यू।